हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल अंकित फाइनेंस क्लब। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एप्पल वन की। एप्पल हम सभी जानते हैं दोस्तों, मोबाइल कंपनी है और ये मोबाइल बनाती है। काफ़ी प्रीमियम मोबाइल आते हैं, इनके ब्रांड है काफ़ी अच्छा और पर इनके जो मोबाइल आते हैं काफ़ी कॉस्टली आते हैं। पर अभी रिसेंटली देखा है इन्होंने इंडिया में अपना ऑनलाइन स्टोर भी कर दिया, फिजिकल स्टोर भी खोलने वाले हैं और जो प्राइसेस हैं सबसे बड़ी बात, वो प्राइसेस को काफ़ी स्लैश कर दिया है, कम कर दिया है। अब जो मोबाइल बहुत कॉस्टली आते थे वो स्कीम्स में आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिल रहा है। ऑनलाइन भी आप देखेंगे अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, इनके स्टोर पे काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, साथ ही साथ कम प्राइसेस के संग अवेलेबल हैं। हमने देखा भी है जनरली पहले बहुत कम लोगों के पास एप्पल के मोबाइल दिखते थे, पर आजकल जनरली काफ़ी आप कह सकते हैं कैजुअली ये दिख जाते हैं मोबाइल फ़ोन। तो उन्हीं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, अगर आप एप्पल का मोबाइल यूज़ करते हैं या यूज़ करने वाले हैं तो बड़ी खुशखबरी ये है कि एप्पल ने लॉन्च कर दिया है एप्पल वन। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि एप्पल वन क्या है। ये कई तरीके की सर्विसेज लाके आए हैं और उन सर्विसेज का एक बंडल बना दिया है, ग्रुप कर दिया है और उसको नाम दिया है एप्पल वन। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है एप्पल वन बंडल्स फॉर अमेजिंग एप्पल सर्विसेज इनटू वन इजी सब्सक्रिप्शन। अब ये जो सब्सक्रिप्शन है ये फ्री भी है, पेड भी है, अभी आगे मैं इसके बारे में बात करूंगा। पर सबसे पहले ये देख लेते हैं ये जो सर्विसेज दे रहे हैं, ये बेनिफिट दे रहे हैं, ये क्या बेनिफिट दे रहे हैं। तो फोर बेनिफिट का नाम लिया है। तो सबसे पहला बेनिफिट तो है एप्पल म्यूजिक, यानी इनका जो एप्पल म्यूजिक प्लेटफॉर्म है इस पे इन्होंने बताया 70 मिलियन से ज्यादा सॉन्ग्स हैं और एड फ्री सॉन्ग्स हैं, आप सुन सकते हैं उनको सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। साथ ही साथ आप उसको ऑफलाइन भी सुन सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। सेकंड है एप्पल टीवी। एप्पल टीवी पे इन्होंने कहा है कि काफ़ी मूवीज अवेलेबल हैं और जितनी नई नई मूवीज आती हैं उन सभी मूवीज को ये इसमें इंक्लूड करते हैं, तो ओरिजिनल शो आपको देखने को मिलेंगे, मूवीज देखने को मिलेंगे। जैसे आप जनरली देखते होंगे नेटफ्लिक्स पे देखते हैं या G5 है, और भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, इसी तरीके से एप्पल ने भी लॉन्च किया है। थर्ड है एप्पल आर्केड। तो एप्पल आर्केड की मैं बता देता हूँ आपको, इसमें जनरली गेम्स हैं, काफ़ी गेम्स अवेलेबल हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी तरीके की गेम्स अवेलेबल हैं और कोई भी ऐड नहीं आएगा इसमें। कोई भी आपको ऐप परचेज नहीं करनी है अलग से, आपने इसका सब्सक्रिप्शन लिया आप कोई भी गेम खेल सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आज के टाइम में स्पेस चाहिए होती है, तो ये आपको iCloud पे 50 GB तक का स्पेस भी दे रहे हैं। 50 GB से ज़्यादा भी मिल रहा है उसके लिए दूसरा सब्सक्रिप्शन है, डिटेल में बताऊंगा अभी मैं। तो पर हमें ये समझ में आ गया कि जो एप्पल वन है उसमें आपको ये चार सर्विसेज दी जा रही हैं। आप एप्पल का मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप ये सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं और ये फ्री भी है। मैं आपको बताऊंगा फ्री आप कैसे लेंगे। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि ये जो फ्री है वो 1 मंथ के लिए फ्री है, यानी आप जैसे ही अप्लाई करेंगे 1 मंथ के लिए सर्विस फ्री रहेगी, आफ्टर 1 मंथ ये पेड हो जाएगी। और पेड के लिए ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा के लिए लेनी है, आप जितने महीने यूज़ करना चाहते हैं जब तक आपको लगता है आप यूज़ करिए, उसके बाद आपको लगता है कि मुझे यूज़ नहीं करना तो आप कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं, कहीं से बाइंड नहीं है। तो इंडिविजुअल अगर आप लेंगे ये चारों सर्विसेज को तो 195 पर मंथ आपको पड़ेगा ये। वहीं अगर आप फैमिली के लिए बात करें, आपकी फैमिली में एक से ज़्यादा लोग हैं और आप चाहते हैं कि सभी के पास मोबाइल फ़ोन है और हम अलग अलग यूज़ करना चाहते हैं, तो एक अलग से बंडल बनाया गया है 5 लोगों तक के लिए कि 5 लोग अगर यूज़ करेंगे तो अगर आप देखिए 195 के हिसाब से लेते पर पर्सन 5 लोगों के लिए लेते तो 1000 रुपये से थोड़ा कम आता, पर उसको काफ़ी रिड्यूस करके ₹365 पर मंथ किया गया है, यानी 365 पर मंथ में आपको 5 डिवाइस पे यूज़ करने को मिलेगा। और यहाँ पे जो क्लाउड है आई क्लाउड का 50 GB वो भी आपका 200 GB हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि काफ़ी बेनिफिट है। इन्होंने बताया 201 रुपये तक का आपको बचत भी होगी अगर आप ये वाला प्लान लेंगे। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि क्या सर्विसेज मिल रही है और कितने प्राइस पे मिल रही है। अगर आपको फ्री ट्राई करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ट्राई इट फ्री पे क्लिक करेंगे तो बताया गया है कि किस तरीके से आप फ्री यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये भी बताऊंगा मैं कौन से सॉफ्टवेयर पे चलेगा, पर आप अपने फ़ोन में जाइएगा दोस्तों, फ़ोन में सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जनरल में जाके सॉफ्टवेयर अपडेट करिएगा। पहले आप सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे उसके बाद ही आपको फ्री चलाने को मिलेगा, वहीं आपका ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली साइन इन करना है और इसके लिए आपको सर्विसेज आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे कुछ और डिटेल बताई हुई है, आप इनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं apple.com.in, इस पर ही इन्होंने सर्विसेज दी हुई है, इंडिया के लिए इन्होंने वेबसाइट बताई हुई है। अब हम आगे बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट FAQs की। तो FAQs के बारे में मैं आपको बताता हूँ, कॉस्ट जो बताई गई है वो 1 मंथ फ्री है, उसके बाद कॉस्ट बताई हुआ है। आप साइन अप कैसे करेंगे तो ये भी मैंने आपको बता दिया, आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके अकाउंट और मैनेज, तो उस तरीके से आप साइन इन कर पाएंगे। अब ये कौन यूज़ कर पाएगा, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो जो एप्पल वाले यूज़ करते हैं उन्हें पता है कि उन पे जो सॉफ्टवेयर होता है वो iOS के नाम से होता है, तो ये iOS 14 या उसके लेटर वर्जन पे ही चलेगा।
तो इसके बाद फ्री ट्रायल वर्जन का बताया हुआ है, क्लाउड स्टोरेज कैसे मिलेगी, कैन आई शेयर विद माई फैमिली, सारी ही चीज़ें आप बताई हुई हैं। और आपको डिटेल में चाहिए, सपोज कर लीजिए मुझे एप्पल म्यूजिक के बारे में ज़्यादा जानना है, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे एप्पल म्यूजिक के नाम से एक अलग से वेब पेज ओपन हो जाएगा जिसमें सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ इस तरीके से आपके सॉन्ग चल रहे हैं, इस तरीके से आप ब्राउज कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरीज दी हुई हैं कि आप रिसेंटली एडिट आर्टिस्ट एल्बम सॉन्ग हर तरीके से आप सर्च कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और 70 मिलियन सॉन्ग्स हैं वो भी एड फ्री हैं और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑफलाइन, तो अच्छी फैसिलिटी है। तो एप्पल वन के नाम से ही आया है, अभी तक जनरली हम देख रहे थे कि लोग नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं, जी फाइव या अलग अलग, पर एप्पल धीरे धीरे अपने पैर भारत में इंडिया में जमा रहा है और काफ़ी स्टोर भी खोलने वाले हैं और अपने प्राइसेस भी और स्लैश करेंगे, इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग होगी आगे इसकी, और जिससे काफ़ी लोग हो सकता है फ्यूचर में इसके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर बने। तो अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन का, तो मार्केट काफ़ी बड़ा है, और इंटरनेट यूज़र्स की बात करें तो 70 करोड़ से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो काफ़ी स्कोप है इस चीज़ के लिए। तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे शेयर करनी थी, हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। काफ़ी वीडियोज़ हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं इन्वेस्टमेंट फाइनेंस टैक्सेशन के रिगार्डिंग, आप उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू।